मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवास, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, धार एवं सागर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर नवविवाहित जोड़ों के सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नवविवाहित जोड़ों के परिजनों को अन्य शासकीय योजना और कार्यक्रमों में भी लाभान्वित किया जाए। इससे नव दंपति को अपनी गृहस्थी चलाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब हम सामान नहीं देते, क्योंकि पता नहीं किस बेटी को किस चीज की जरूरत है। इकट्ठे खरीद लाए और सब जगह रख दिए तो कई बार जरूरत है कि नहीं है, इसलिए यह सोचा कि बेटी खुद तय करे कि उसको क्या खरीदना है। इसलिए अब 49,000 रुपए का चेक बेटियों को देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से सामान खरीद सके। एक छोटी गृहस्थी उसकी बस जाए। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन सबका आभारी हूं। अब खाते गांव में तो 501 जोड़े आज दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं। आशीष जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। केसला में भी 353 जोड़ों का विवाह है, तो वहां भी विधायक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। चीचरी नरसिंहपुर में 190, आठरेर बैतूल में 401, नालचा धार में 144 और राहतगढ़ जिला सागर में 409 विवाह संपन्न हो रहे हैं। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संकल्प के साथ कि बेटियों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेना है। पर इसलिए एक के बाद एक योजना हमने बनाई है और मैं आभारी हूं सभी उन परिवारों का जिनने वर और वधु का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत करने का फैसला किया। एक बार मैं फिर बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।